इस वक्त हम मौजूद हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय में और मेरे ठीक बाईं तरफ की तस्वीर में आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर अखिलेश यादव यहाँ पर मौजूद हैं मंच पर और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर खजांची जो नोटबंदी के दिन जन्म हुआ था उसका यहाँ पर हर साल जन्मदिन मनाया जाता है, लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने कहा मध्य प्रदेश में चुनाव होने की वजह से हम यहाँ पर उसका जन्मदिन नहीं मना पाए थे उस तारीख में, लेकिन हम बाद में मना रहे हैं। और ये तस्वीरों में आप देख रहे होंगे जो अखिलेश यादव के ठीक सामने ये बढ़िया कोट पैंट में जो खड़े हुए हैं, इनका नाम खजांची है और इनका यहाँ जन्मदिन मनाया जा रहा है। तमाम नेता जो स्टेज पर पहुँचे हैं उसको बधाई देने के लिए कोई लिफाफा दे रहा है, कोई अपने अपने तरीके से उसको उपहार भी दे रहा है। साथ ही अखिलेश यादव ने सरकार पर तंज भी कसा है कि जब नोटबंदी की गई थी वो तब ये कहा गया था कि आतंकवाद खत्म होगा, आतंकवाद की कमर टूटेगी, भ्रष्टाचार खत्म होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अमीर और अमीर हो गए, गरीब और गरीब हो गया, ना ही आतंकवाद खत्म हुआ ना ही भ्रष्टाचार खत्म हुआ। तो ये सरकार कैसे काम कर रही है ये तो राम भरोसे है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अभी भी मार्केट में 33 लाख करोड़ रुपये कैश में चल रहा है, अभी भी, यानी कि जो एक बड़ा अमाउंट है वो अभी भी मार्केट में कैश के तौर पे चल रहा है। जो बड़े बड़े लेन देन हैं, जो व्यापारी हैं, जो कारोबारी हैं, ज़मीन का कारोबार करते हैं और भी जो कारोबार हैं वहाँ पे भी, यहाँ तक ये भी कहा कि जो कानपुर में इत्र व्यापारी के घर जो पैसा पकड़ा गया वो भी बताया गया कि समाजवादियों का है, वो कहाँ है पैसा, इस समय समाजवादियों को बहुत ज़रूरत है, समाजवादियों को वो पैसा वापस किया जाए। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24।